फ्रेंड्स, आज हम लोग फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं। फंक्शन स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। इसके बेसिक पार्ट क्लास 11 में पढ़ना है और टाइप ऑफ फंक्शन क्लास 12 में पढ़ना है। तो हम पहले पढ़ेंगे फंक्शन होता क्या। इसके पिछले चैप्टर में आपने रिलेशन पढ़ा था। रिलेशन सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। ए सेट ए और सेट बी के बीच रिलेशन करने के लिए है ना, उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट हम करते हैं, उसी का कोई ना कोई सबसेट रिलेशन होता है। रिलेशन का भी सबसेट फंक्शन होता है। अगर रिलेशन पे कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा लें, कुछ कंडीशन बाउंड्री सेट कर दें, तो फंक्शन कहलाएगा। अब देखेंगे क्या क्या बाउंड्री हम सेट करते हैं। फंक्शन का मतलब एक तरह से रिलेशन ही है। आप एक एग्जांपल से इसको समझिए कि ये क्रिकेटर क्रिकेट खेल रहा है। अब क्रिकेट खेल रहा है तो एक ओवर में 6 बॉल होते हैं। हर बॉल पे वो स्कोर कर रहा है। बॉल नंबर 1, बॉल नंबर 2, बॉल नंबर 3, बॉल नंबर 4, बॉल नंबर 5, बॉल नंबर 6, ये 6 एक सेट में रख लें। स्कोर का ऑप्शन क्या क्या है उसके पास? या तो 0 स्कोर कर सकता है, 1 रन ले सकता है, 2 रन ले सकता है, 3 रन ले सकता है, 4 रन ले सकता है, या फिर 6 रन ले सकता है। अगर है ना, बॉल को हम एक सेट में डाल दें, बॉल नंबर 1, बॉल नंबर 2, बॉल नंबर 3, बॉल नंबर 4, बॉल 5, बॉल 6, एक दूसरे सेट में हम डाल दें, स्कोर क्या क्या कर सकता है? 0, 1, 2, 3, 4 और 6 रन किसी भी बॉल पे वो बना सकता है। ठीक है, तो क्या पॉसिबिलिटी है? बॉल नंबर 1 में फर्स्ट बॉल अगर बॉलर करता है तो बैट्समैन क्या करेगा? 0 रन बनाएगा, 1 रन बनाएगा, तो कोई भी एक रन बना सकता है। बैट्समैन 6 के 6 बॉल खेलेगा। क्या कोई ऐसा बॉल हो सकता है जिसपे एक रन भी सिंगल मिले और चौका भी मारे? ऐसा हो सकता है क्या? किसी एक बॉल पे ऐसा हो सकता है कि सिंगल भी ले और चौका भी मारे? ऐसा तो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहां इवेंट हो रहा है ना, एक सेट है जो इवेंट है और सेट बी उसका रेस्पॉन्स दे रहा है। इधर बॉल फेंका जा रहा है और उसका रेस्पॉन्स रन के रूप में सेट बी के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो इसमें कंडीशन हमारे पास क्या बन रहा है कि एक बॉल पे जो रन के ऑप्शन है, एक से ज्यादा रन के ऑप्शन ऑप्ट नहीं हो सकते। ऐसा है ना जी, बॉल किसी भी बॉल पे ऐसा तो नहीं हो सकता है कि 4 भी लग जाए या 6 भी लग जाए। तो एक इवेंट का 2 रिस्पॉन्स नहीं हो सकता। ठीक है, फंक्शन में हम पढ़ेंगे तो इसको इसका इमेज बोल सकते हैं। एक प्री इमेज का एक से ज्यादा इमेज नहीं हो सकता है ना। ईच एंड एवरी इनपुट हैव इट्स यूनिक आउटपुट। एक इनपुट का कितने आउटपुट होगा? एक ही आउटपुट होगा, एक से ज्यादा आउटपुट नहीं। यही फंक्शन की कंडीशन है। दूसरी बात मैं समझा रहा हूं कि बॉल नंबर 2 पे अगर चौका मार रहा है, 4 मार रहा है, तो क्या बॉल नंबर 4 भी 4 नहीं मार सकता है क्या? मार सकता है ना। बॉल नंबर 2 पे अगर 4 मार रहा है तो बॉल नंबर 4 पे, बॉल नंबर 5 पे भी 4 मार सकता है। मतलब एक से ज्यादा इनपुट का सेम रेस्पॉन्स, सेम आउटपुट हो सकता है। ऐसा है ना जी। तो ये फंक्शन, फंक्शन के डेफिनेशन को हम समझते हैं ना। इफ अब 6 बॉल है तो उसको 6 के 6 बॉल खेलना है। ऐसा तो नहीं है ना कि दूसरा बॉल खेलेगा, तीसरा फेंकेगा ही नहीं, फेस ही नहीं करेगा और चौथा खेलेगा। ऐसा तो नहीं, दूसरा के बाद तीसरा खेलेगा फिर चौथा ही खेलेगा। मतलब अगर एक ओवर खेलना है तो एक ओवर में 6 के 6 बॉल इनपुट डलेगा ही डलेगा। मतलब सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट का, एवरी एलिमेंट का कोई ना कोई आउटपुट होगा, भले वो 0 सिंगल ले ले, 2 रन बना ले, अलग बात है। ठीक है, तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, इफ एवरी लगाते हैं ना, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए
हैव इट्स यूनिक इमेज इन सेट बी देन रिलेशन जो रिलेशन फ्रॉम ए टू बी ए से बी के बीच जो भी रिलेशन है इज कॉल्ड फंक्शन. इस रिलेशन को हम फंक्शन बोले. आ रहा है समझ में कि वैसा रिलेशन सेट ए का एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट के साथ इस रिलेशन को हम मैपिंग बोलते हैं. ए का एलिमेंट का बी के एलिमेंट पे मैप कर रहे हैं. तो वह ऐसा रिलेशन जिसमें एवरी एलिमेंट का इमेज हो. पहला तो कंडीशन क्या है, दो कंडीशन इसमें है. सेट ए के ईच एंड एवरी एलिमेंट का इमेज हो और यूनिक इमेज हो. किसी भी एलिमेंट के एक से ज्यादा इमेज नहीं हो सकते. तो कुछ हम एग्जांपल देंगे, आप बताइएगा कि ये फंक्शन है या नहीं. वन टू थ्री फोर ए बी सी डी ए से ए है, ए से बी है, ए टू बी ए से बी को रिलेशन. अब बताइए फंक्शन है या नहीं है? बोल सकते हैं फंक्शन नहीं है ना. क्यों नहीं है फंक्शन? इट इज नॉट ए फंक्शन. इट इज नॉट ए फंक्शन. ये फंक्शन नहीं है. क्यों नहीं है? फंक्शन के दो ही कंडीशन है. पहला कंडीशन क्या है, सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज हो. बनो सेट ए के हर एलिमेंट का इमेज हो. क्या प्रत्येक एलिमेंट का इमेज है? क्या वन का इमेज सी पे बन रहा है, टू का इमेज ए पे बन रहा है, थ्री का इमेज डी पे बन रहा है, लेकिन फोर का इमेज है? तो एलिमेंट पे फोर इन सेट ए डज नॉट हैव इमेज इन सेट बी. सेट बी में इसका इमेज नहीं है. जो फोर एलिमेंट सेट ए का है उसका सेट बी में कोई इमेज नहीं. यही कारण है कि ये फंक्शन नहीं है. दूसरा एग्जांपल देखता हूं, चेक करना है कि फंक्शन है या नहीं. ये बताइए फंक्शन है या नहीं. फंक्शन होगा या नहीं होगा, जल्दी बताएं. कुछ लोग बोल रहे हैं फंक्शन है, कुछ फंक्शन नहीं है. फंक्शन है तो कैसे है, फंक्शन नहीं है तो कैसे नहीं है, बताएं जल्दी. पहला कंडीशन फॉलो हो रहा है, सेट ए के एवरी एलिमेंट का इमेज सेट बी पे. सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज सेट बी पे है. पहला कंडीशन फॉलो. दूसरा कंडीशन क्या बोलता है? दूसरा कंडीशन क्या बोलता है? प्रत्येक एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए. पहला वन का एक से ज्यादा इमेज है क्या? टू का एक से ज्यादा इमेज है क्या? एक ही इमेज है बी. थ्री का एक ही इमेज है ए. फोर का एक ही इमेज है डी, है ना. फोर का इमेज तो एक ही है ना, डी. फाइव का भी एक ही इमेज है डी. तो हर एलिमेंट का वन एंड वनली वन इमेज है. इसका मतलब ए फंक्शन है. ये क्या है? फंक्शन. इट इज फंक्शन. तो एक चीज और सीख ली है आपने कि फंक्शन में क्या होगा,
कि दो है ना एलिमेंट का कॉमन इमेज हो सकता है, फंक्शन इस बात को पचा सकता है कि एक से ज्यादा एलिमेंट का कॉमन एलिमेंट कॉमन इमेज बी में हो, सेट बी में हो, ऐसा है ना फंक्शन एक्सेप्ट कर सकता है, इतना एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं, ए फंक्शन है नहीं है फंक्शन, क्यों नहीं है? पहला कंडीशन तो फॉलो हो रहा है, सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज है, लेकिन दूसरा कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा है। सेट है ना, सेट ए का एक एलिमेंट सी है, सी का इमेज आरबी पे भी है और सी का इमेज यू पे भी है। तो सिंस इसको इस तरीके से लिखना है, सिंस एलिमेंट सी ऑफ सेट ए हैव मोर देन वन इमेज, मोर देन वन इमेज डेट ईच आर एंड टी, सो इट इज नॉट ए फंक्शन, यह फंक्शन नहीं है। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि कोई जो दिया हुआ है वो फंक्शन है या नहीं। इक्वेशन के फॉर्म में भी दिया हो सकता है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन है या नहीं है। ए नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर मान जाए, फंक्शन है एफ जो है नेचुरल नंबर की मैपिंग नेचुरल नंबर पर, या नेचुरल नंबर ना ले इंटीजर ले, जेड की मैपिंग जेड पे कर रहा है। इंटीजर मतलब जेड का मतलब क्या हो गया, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री वन टू थ्री फोर सारे हो गए। तो ये फंक्शन है या नहीं, एफ माइनस टू पुट करेंगे तो माइनस टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा, मतलब माइनस टू की इमेज इधर बनाएंगे, माइनस टू की इमेज कहां पे बनेगा, फोर पे बनेगा, टू भी पुट करेंगे तो टू की इमेज भी फोर पे बनेगा, टू की इमेज भी फोर पे बन रहा है। अगर माइनस वन पुट किया तो माइनस वन की इमेज फोर पे बन रहा है, वन की इमेज वन पे बन रहा है। ये फंक्शन है या नहीं है, फंक्शन है ना, मतलब कोई भी ऐसी क्वांटिटी नहीं है जिसका स्क्वायर है ना, जिसका स्क्वायर क्या हो पॉसिबल ना हो, स्क्वायर तो हर किसी का पॉसिबल है ना। ठीक है, और एक का स्क्वायर, एक सिंगल क्वांटिटी का स्क्वायर एक से ज्यादा नहीं हो सकता, फाइव का स्क्वायर दो वैल्यू नहीं हो सकती, तो क्या कहलाएंगे, इट इज फंक्शन, इट इज फंक्शन। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एक फंक्शन है रियल नंबर टू रियल नंबर मैप कर रहा है, रियल नंबर जानते हैं और एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स है, एफ एक्स रूट एक्स है, अब बताएं ये फंक्शन है या नहीं। ये फंक्शन है या नहीं पता है, फंक्शन फंक्शन का पहला कंडीशन है कि प्रत्येक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। रियल नंबर का मतलब क्या होता है, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी
माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू हो सकती है, पॉइंट में हो सकती है, इंटीजर हो सकती है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, रियल नंबर का ही मतलब होता है। तो आप कोई वैल्यू लेकर माइनस फाइव ले ले, माइनस फाइव का रूट पॉसिबल है क्या? माइनस फाइव का रूट पॉसिबल है क्या? तो क्या बताया, माइनस फाइव का इमेज फाइव आई कुछ बोल रहे हैं ना, आई इमेजिनरी टर्म है ना जी, रियल है ना, रियल सेट के अंदर तो इसका इमेज पॉसिबल नहीं है ना जी। अगर हम आई लगा भी दें आयोटा तो इमेजिनरी सेट के अंदर आएगा, रियल सेट का मतलब रियल। तो माइनस फाइव का रूट पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब माइनस नेगेटिव कोई भी क्वांटिटी होगा उसका इमेज इसमें नहीं आएगा। तो नेगेटिव क्वांटिटी का सिंस है ना, सिंस एलिमेंट एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी टू जीरो है ना, माइनस इंफिनिटी से लेके जीरो तक जो भी एलिमेंट होगा उसका इमेज डू नॉट हैव इमेज इन आर, इन सबका इमेज आर में नहीं है। सो एफ इज नॉट फंक्शन, एफ फंक्शन नहीं। तो इस तरीके से इक्वेशन के फॉर्म में दिया रहे तो इक्वेशन के फॉर्म में भी आप चेक कर सकते हैं। अब सेम फंक्शन है, सेट बदल जा रहा है ना, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, बताइए ये फंक्शन होगा या नहीं होगा? होगा फंक्शन, बड़ा मजेदार है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बड़ा मजेदार है, बड़े बड़े फेल हो जाते हैं इस एग्जाम्पल। अब कोई भी नेचुरल नंबर ले लें, चलिए 16 ले लें, तो 16 का रूट तो ठीक है ना, 4 नेचुरल नंबर आ रहा है, 5 का रूट क्या नेचुरल नंबर आएगा? इसका मतलब 5 का इमेज इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, 5 का इमेज है ना यहां पे नहीं है, इसका एलिमेंट 5 ले लें तो 5 का इमेज क्या बन रहा है? रूट 5, और रूट 5 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, तो 5 का इमेज यहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। नोट डाउन भी करते जाए सारे, ऐसे एग्जाम्पल और दूसरी जगह मिलेंगे नहीं है। तो रूट 5 डज नॉट बिलोंग टू रूट 5 है ना, मतलब 5 डज नॉट हैव इमेज, फंक्शन की कंडीशन है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट शुड हैव, सो एफ इज नॉट ए फंक्शन, एफ फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, इसको नोट डाउन कर ले, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख रहे हैं, आर प्लस ले रहे हैं, आर प्लस टू आर प्लस एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स ही है, आर प्लस की मैपिंग आर प्लस पे हो रहा है और एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स ही हमारा फंक्शन, एफ एक्स इक्वल टू रिलेशन जो है एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स ही है, इसको चेक करना है फंक्शन है या नहीं, चेक करके बताए। आर प्लस का मतलब वैसे रियल नंबर जो पॉजिटिव, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक सारे रियल नंबर, डेसिमल वाले भी हो सकते हैं, रेशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं, सारे है ना, रियल नंबर में सब कुछ आ जाता है, पॉजिटिव रियल नंबर। तो पॉजिटिव रियल नंबर के सेट का इमेज पॉजिटिव रियल नंबर के सेट पे बना रहा है। कोई भी क्वांटिटी ले ले, f 2 ले ले, 2 का इमेज रूट 2 है ना, ये भी r प्लस से बिलोंग कर रहा है, पॉजिटिव रियल नंबर की है,
0.5 ले ले, इसका भी रूट करेंगे तो रूट अंडर 0.5 ये भी पॉजिटिव ही नंबर ही आएगा, कुछ ना कुछ पॉइंट में पॉजिटिव ही आएगा। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट ले लें, सबका रूट पॉजिटिव रियल नंबर के अंदर ही आएगा। तो कर सकते हैं इट इज ए फंक्शन, ये एक फंक्शन है। इस तरह से आपने चेक कर लिया है ना, फंक्शन चेक करना भी इतना आसान काम नहीं। एक और एग्जांपल देखता हूं, एफ एक्स इक्वल टू 2x-3 है, x लेस देन इक्वल टू 4 के लिए, और x प्लस 2 है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए, और f जो है नेचुरल नंबर ही लेते हैं, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर मैपिंग कर रहा है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर मैपिंग कर रहा है। बताएं फंक्शन है या नहीं, जल्दी से इसको सोल्व करिए, इस वाले प्रॉब्लम को सोल्व करिए, चेक करिए कि ये फंक्शन है या नहीं। है मैपिंग कर सकते हैं, जैसे वन की मैपिंग कहां पे हो रही है, टू की मैपिंग कहां पे हो रही है, टू का इमेज F1 F2, F3, F4 ऐसा निकाल के हम चेक कर सकते हैं। F1 अगर फाइंड करेंगे, 1 4 से छोटा है तो ऊपर वाले इनपुट होगा। चलिए इसमें तो ऐसा है कि 1 पुट करने पे तो चलिए नेगेटिव आ जाएगा ना, इसकी इमेज तो नहीं होगी, तो फंक्शन नहीं है। F1 इक्वल टू क्या आ गया, -1, और -1 n से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं इट इज नॉट ए फंक्शन, यह फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं फंक्शन है, क्योंकि 1 का इमेज -1 पे बन रहा है और -1 इज नॉट ए पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये -1 आपको परेशान कर दिया, इसलिए फंक्शन नहीं है। चलिए इसको +1 कर दिए देते हैं, 2x+3 लेते हैं, अब तो फंक्शन हो जाना चाहिए ना। चेक करिए बताइए फंक्शन है, हमने 2x-3 को 2x+3 कर दिया, अब चेक करिए फंक्शन है या नहीं। अब निकालिए F1, F2, F3, F4 सब फाइंड करिए। F1 वन किस में पुट होगा, x लेस देन 4 है, इस वाले में ही वन पुट होगा। F1 होगा 2 × 1+3 इक्वल टू 5, F1 की वैल्यू 5 आ गई, मतलब 1 का इमेज कहां पे बन रहा है, 1 का इमेज 5 पे बन रहा है, ठीक है। F2 निकालेंगे तो 4 से छोटा है, तो 2 पुट करेंगे तो 2 × 2+3 7 आ गया, 2 का इमेज 7 पे बना, लेकिन 2 इसमें भी तो सेटिस्फाई कर रहा है ना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, 2 की वैल्यू हम इसमें भी पुट कर सकते हैं और इसमें भी पुट कर सकते हैं। F2 का एक और वैल्यू आएगा, इसमें अगर 2 पुट करते हैं तो 2+2 4 हो जाएगा, मतलब F2 = 4 भी आ रहा है और 7 भी आ रहा है, मतलब 2 का इमेज 4 पे भी बन रहा है और 7 पे भी बन रहा है। तो एक एलिमेंट का अगर एक से ज्यादा इमेज हो तो फंक्शन नेगेटिव होगा, तो आप क्या लिखेंगे, F नॉट ए फंक्शन। Since 2 have more than one image,
डेट इज 4 and 7। दो का एक से ज्यादा इमेज है, 4 भी इमेज है और 7 भी इमेज है, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि क्लियर हो गए होंगे कि कोई कितना भी है ना थोड़ा घुमा फिरा कर भी दे दिया, अगर कि चेक करना है फंक्शन है या नहीं है तो आप बता सकते हैं, चेक कर सकते हैं। धोखा फिर भी हो सकता है, धोखा तो कभी भी हो सकता है, फंक्शन चेक करना इतना आसान काम नहीं। ऐसे ऐसे कम्प्लेक्स कम्प्लेक्स क्वेश्चन दिए हो सकते हैं जिसमें गड़बड़ हो सकती है, इसका लिमिट नहीं है फंक्शन चेक करने का। एक पे एक एडवांस प्रॉब्लम दे सकते हैं और उसमें मिस्टेक्स हो सकते हैं, ये प्रैक्टिस की चीज है, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फंक्शन के अंदर हम क्या क्या चीज पढ़ेंगे उस पे आते हैं। अभी हम तीन चीजें पढ़ने जा रहे हैं, डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकालना सीखने जा रहे हैं। डोमेन ऑफ फंक्शन, कोडोमेन ऑफ फंक्शन और रेंज ऑफ फंक्शन। नोटेशन है ना, डोमेन को डीएफ से रिप्रेजेंट करते हैं, कोडोमेन को सीओडीएफ से रिप्रेजेंट करते हैं और रेंज को आरएफ से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फंक्शन की तीन बातें हम सीखने जा रहे हैं, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं इसको, कम से कम समय में इसको एक्सप्लेन कर देते हैं क्योंकि तो ज्यादातर लोगों को ये चीजें पता होती है। एक एग्जांपल से आप समझते हैं, एक फंक्शन दे रखा है, एफ दे रखा है, सेट ए टू सेट बी है, सेट ए इक्वल टू है 1, 2, 3 और सेट बी इक्वल टू है ए बी सी डी ई, चलिए कोई नहीं 1, 2, 3, 4, 5 ले लें। और फंक्शन दे रखा है इस तरीके से दे रखा है, 1 का इमेज सी पे बन रहा है, 2 का इमेज ए पे बन रहा है, 3 का इमेज सी पे बन रहा है, 4 का इमेज डी पे बन रहा है, 5 का इमेज ए पे बन रहा है। इस तरह से फंक्शन भी दिया हो सकता है, सेट ए से बी फंक्शन डिफाइंड है, ए के एलिमेंट का बी के किस एलिमेंट पे इमेज बन रहा है, इस तरह से जैसे रिलेशन में हम पेयर करके लिखते थे वैसे भी फंक्शन भी लिखा जा सकता है। अब इसको टेबलर फॉर्म में भी हम दिखा सकते हैं, सेट ए इधर बनाते हैं और सेट बी इधर बनाते हैं, सेट ए हो गया और ए सेट बी हो गया, ए का एलिमेंट हो गया 1, 2, 3, 4, 5, बी का एलिमेंट हो गया ए बी सी डी ई। अब इसको एरो से इसको दिखा सकते हैं, 1 का एलिमेंट सी पे बन रहा है, 1 का इमेज सी पे बन रहा है, 1 का इमेज सी पे बन रहा है, 2 का इमेज ए पे बन रहा है, 2 का इमेज हमने ए पे लिखा दिया, 3 का इमेज सी पे बन रहा है, 3 का इमेज सी पे लिखा दिया, 4 का इमेज 4 का कहां पे बन रहा है डी पे बन रहा है, 5 का इमेज ए पे बन रहा है, ठीक है। चेक कर लें फंक्शन है, ए के सभी एलिमेंट का इमेज बन रहा है और हर का यूनिक इमेज बन रहा है, कभी भी कोई भी एक ए का ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका एक से ज्यादा इमेज बन रहा है, उसका फंक्शन ये आपका फंक्शन है। तो हम डोमेन,
कोडोमेन और रेंज को समझेंगे। डोमेन क्या होगा? सेट ए के सभी एलिमेंट का सेट है ना, सेट ए ही आपका क्या होगा? डोमेन। डोमेन मतलब वैसे प्लेयर जो क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, जो ऑन फील्ड खेल रहे हैं, वो सारे क्या हैं? डोमेन। और रेंज हो गया, रेंज क्या हो गया? बी का वैसा सारा एलिमेंट जो किसी न किसी इनपुट का आउटपुट है। सेट बी का वैसा सारा एलिमेंट जो किसी न किसी का, सेट ए के किसी न किसी एलिमेंट का आउटपुट है, उसके उसे हम क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। ए पार्ट आपका क्या हो गया? रेंज हो गया। फंक्शन में हमेशा पूरा सेट ए ही डोमेन होता है, ए डोमेन। और को डोमेन ऑल पॉसिबल आउटकम, कितने आउटकम्स पॉसिबल हैं वो सारे को डोमेन, मतलब सेट बी आपका को डोमेन होता है। मतलब ऑलवेज डोमेन आपका सेट ए होगा, को डोमेन आपका सेट बी होगा। तो ना डोमेन का लफड़ा ना को डोमेन का लफड़ा। डोमेन और को डोमेन निकालने में कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अगर टेबलर फॉर्म में दिया हुआ है। हाँ, इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है तब तो डोमेन और कोडोमेन निकालने में आपको माथापच्ची करना पड़ेगा, ठीक है। फिर भी कोई फंक्शन दे दे रखा है, जैसे एक फंक्शन है एफ एन टू, नेचुरल नंबर को आर प्लस पे मैप कर रहा है। बताए इसका डोमेन और कोडोमेन क्या होगा? नेचुरल नंबर एन आपका डोमेन हो गया और आर प्लस आपका को डोमेन हो गया। तो इस फॉर्म में फंक्शन को जैसे ही लिखा आप डोमेन को डोमेन के क्या हो गया, पता चल गया आपको कि डोमेन और को डोमेन क्या होगा। झगड़ा किस बात की है? बस रेंज की है, रेंज पता करना ही हमारा मेहनत का काम है। तो रेंज कैसे पता करेंगे? इसके लिए आपको सेट बनाना होगा, वैसे सारे एलिमेंट का सेट बनाना पड़ेगा जो सेट ए के एलिमेंट का इमेज है। उन सारे इमेजों का एक सेट में अगर रख देंगे, इमेजेज का उन सारे आउटपुट को एक सेट में रख दें, जो रियली में आउटपुट है उसको हम बोलेंगे रेंज। आर इक्वल टू यहां पे है ए बी सी, तो इस तरीके से हम किसी का भी रेंज फाइंड कर सकते हैं। एक एग्जांपल हम देखते हैं। कोई फंक्शन डिफाइंड है n टू n मैप कर रहा है, fx इक्वल टू है एक्स क्यू प्लस वन, ये दे रखा है फंक्शन। इसका डोमेन कोडोमेन और रेंज होता है। डोमेन कोडोमेन रेंज बताइए कभी। डोमेन कोडोमेन में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ए डोमेन हो गया और ए कोडोमेन हो गया। तो ए डोमेन हो गया, ए कोडोमेन हो गया। रेंज क्या होगा? वन पुट करेंगे एफ वन आएगा, वन प्लस वन टू आएगा, टू पुट करेंगे तो टू का क्यू एट प्लस वन नाइन आएगा, थ्री पुट करेंगे तो थ्री का क्यू प्लस वन कितना आएगा? अट्ठाईस, ट्वेंटी एट आएगा। तो रेंज आपका हो गया, रेंज इक्वल टू
2, 9, 28, 65 इस तरह से होगा। इसको आप चाहे तो सेट मुल्लर फॉर्म में लिख सकते हैं, रेंज इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू एन क्यू प्लस वन, वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल। इस तरह से सेट मुल्लर फॉर्म में रेंज को लिख सकते हैं, ये आपका रेंज हो गया। तो इस तरह से इतने कंसेप्ट को लेके आप एनसीईआरटी का एक्सरसाइज बनाएंगे तो आपको बन जाएगा आरडी समाज, किसी भी बुक का आप बना सकते हैं। और